अब तक की क्लासेस में हमने प्रबंध के बारे में उसका परिचय देखा, उसके महत्व के बारे में चर्चा करी है, उसके जो कार्य होते हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि वास्तव में प्रबंध क्या कार्य करता है। प्रत्येक संगठन में हमने देखा था कि प्रबंध का होना आवश्यक है, किस तरह से प्रबंध कार्य करता है उसकी चर्चा हम आज करने वाले हैं कि प्रबंध की प्रक्रिया क्या है या उसके कार्य क्या क्या है। मैं आपको बता दूं कि चाहे कोई भी संगठन छोटा हो या बड़ा हो, उसमें प्रबंध जरूर होता है। तो सबसे पहले हम कार्य के ऊपर जब चर्चा करने जा रहे हैं तो उन कार्यों की विशेषताओं की बात करते हैं कि प्रबंध के कार्यों की क्या क्या विशेषताएं हैं। यानी आज हम क्या करेंगे, प्रबंध के परिचय, महत्व, उसकी प्रकृति और उसके क्षेत्र को पढ़ने के बाद में उसके जब कार्यों की बात करेंगे, यानी हम क्या कर रहे हैं, एक स्टेप आगे आ रहे हैं। तो ये एक स्टेप क्या आगे आ गए हम देखते हैं, कौन सा स्टेप है ये। सबसे पहले बात करते हैं विशेषताओं की। और विशेषताओं में सबसे पहले अगर अपन विशेषता की बात करें तो प्रबंध की सबसे पहली विशेषता जो है वो है निरंतर एवं गतिशील प्रक्रिया। प्रबंध कैसी प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली, गतिशील, मूव करती रहेगी। ऐसा नहीं है कि एक समय के बाद प्रबंध पूरा हो जाएगा, नहीं। जब आप किसी संगठन को प्रारंभ करने का विचार प्रारंभ करते हैं, उस विचार के साथ में ही प्रारंभ हो जाता है आपका प्रबंध। कब तक चलेगा, जब तक आप उस वस्तु या सेवा को उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचा देते ना, उसके बाद भी चलेगा। वस्तु या उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुंचाने के बावजूद भी आपका प्रबंध जो है वो कार्य करता रहेगा। तो प्रबंध कैसा है, निरंतर और गतिशील प्रक्रिया है। इसी में हम बात करेंगे अगले बिंदु की। और अगला बिंदु हमें बताता है कि प्रबंध जो है वो कैसी प्रक्रिया है। प्रबंध एक मानवीय प्रक्रिया है, और इस बिंदु के बारे में हमने पिछली क्लासेस में अध्ययन किया था और देखा था हमने कि चूंकि प्रबंध जो है वो मानव के द्वारा किया जाता है, पशु पक्षी प्रबंध नहीं कर सकते, और इसलिए इसे कैसी क्रिया कहा गया है, मानवीय क्रिया कहा गया है। और मानवीय क्रिया होने के साथ साथ में ये कैसी क्रिया है, क्योंकि प्रबंध हम किस पे लागू करते हैं, समाज के लोगों पर। देखिएगा कि हमारे संगठन में जो कार्मिक काम कर रहे हैं वो समाज का हिस्सा है, और हम प्रबंध को उन्हीं के ऊपर लागू कर रहे हैं। इसलिए प्रबंध कैसी क्रिया है, सामाजिक क्रिया है, सोशल एक्टिविटी है। इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर फोर्थ की। और पॉइंट नंबर फोर्थ हमें ये बताता है कि प्रबंध जो है वो कैसी क्रिया है, परिणाम प्रधान। यानी कि हम अपने रिजल्ट या हमारा जो गोल है उस गोल को ध्यान में रखकर काम करते हैं। वास्तव में चाहते क्या है, हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो गोल है, हम अपने गोल को प्राप्त करना चाहते हैं और उस गोल के लिए हम काम करते हैं। हमारा रिजल्ट क्या रहेगा, हम अपने रिजल्ट के लिए काम करेंगे। और अंत में हम इसे कहेंगे सार्वभौमिक। कैसी प्रक्रिया, सार्वभौमिक। तो अंतिम में मैं लिख देता हूं सार्वभौमिक। प्रबंध कैसी क्रिया है, सार्वभौमिक क्रिया है, क्योंकि चाहे संगठन छोटा है या बड़ा है, चाहे संगठन छोटा हो या बड़ा हो, वहां पर प्रबंध जरूर विद्यमान होगा। तो ऐसी कंडीशन में कैसी क्रिया हो जाएगी, सार्वभौमिक। ये तो हमने चर्चा करी है प्रबंध की विशेषताओं की, प्रबंध में जो उसके कार्य है उनकी विशेषताएं हैं ये। इन विशेषताओं के बाद में हम बात करेंगे प्रबंध क्या क्या कार्य करता है। प्रत्येक संगठन में प्रबंध कार्य तो करता ही, बात फिक्स हो गई। और इस बात को जब अपने फिक्स कर लिया है तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए प्रबंध कार्य क्या क्या करता है। तो देखिए, बहुत सारे एनालिसिस के बाद में ये पता चला कि बहुत सारे ऐसे प्रबंधक हुए
जिन्होंने प्रबंध के कार्यों के बारे में बताया और उनमें काफी सारी समानता देखी गई, और उन समानता के आधार पर हमने प्रबंध के कार्यों को मुख्य कार्य और सहायक कार्य दो कार्यों में बांट दिया। हम बात करेंगे एक महोदय हुए इसमें हैं लूथर गुलिक, और लूथर गुलिक ने प्रबंध के कार्य के बारे में एक अवधारणा प्रस्तुत की थी। पोस्ट कोर्प यानी सबसे पहला क्या है, प्लानिंग, सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड स्टाफिंग, फोर्थ डायरेक्शन, फिफ्थ आपका आता है कोऑर्डिनेशन, नेक्स्ट है रिपोर्टिंग, एंड लास्ट आपका आता है बजटिंग। इन्होंने बताया कि प्रबंध के कार्य में ये सब कुछ अनिवार्य तत्व है। सबसे पहले हमें प्लानिंग बनानी होगी, संगठन होगा, संगठन में नियुक्ति का कार्य किया जाएगा, उसके बाद में उनको निर्देश दिया जाएगा, उनके बाद में उनका समन्वय किया जाएगा, उसके बाद में उसकी क्या बनाई जाएगी, एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, और इनके बाद में अंतिम क्या होगा, बजटिंग, बजट का निर्धारण किया जाएगा। तो उन्होंने बताया, किसने बताया, लूथर गुलिक ने बताया कि पोस्ट कोर की जो अवधारणा है इनमें टोटली कितने 7 कार्य जो है वो मुख्य है। अब देखते हैं आगे, बात करते हैं मुख्य कार्य कौन से, सहायक कार्य कौन से। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे प्रबंध के प्रमुख कार्यों की। और प्रमुख कार्य में सबसे पहला आता है अपना नियोजन, मींस प्लानिंग। तो दोस्तों हम सभी को ये ज्ञात है कि हम कोई भी कार्य जब प्रारंभ करते हैं तो कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व हम क्या करते हैं, एक योजना बनाते हैं, एक रूपरेखा तैयार करते हैं, एक फॉर्मेट, एक प्रारूप, एक प्रारूप का हम जो निर्धारण कर रहे हैं या एक रूपरेखा जो हम बना रहे हैं। ये रूपरेखा वास्तव में क्या है, ये रूपरेखा ही कहलाती है अपना नियोजन, प्लानिंग। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। हमारा जो लक्ष्य है, हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, एक रूपरेखा बनाते हैं। जैसे देखिए आप विद्यार्थी हैं, आपका लक्ष्य क्या रहता है कि मैं कैसे भी करके अपने एग्जाम में अपना 100% दूं और अच्छा रिजल्ट प्राप्त करूं। तो अपने अच्छे रिजल्ट के लिए आप क्या करते हैं, पूर्व में ही प्लानिंग बनाते हैं। देखिएगा रूपरेखा कब बनाई जाती है, पूर्व में, पहले बनाई जाएगी, रिजल्ट के बाद थोड़ी बनाओगे। तो पूर्व में बनाई जाती है जिसमें आप ये फिक्स करते हो मुझे कितना कितना टाइम किस किस सब्जेक्ट को देना है, और सब्जेक्ट का जो आपने टाइम फिक्स किया है उस टाइम में आप उसको कवर करते हो जिससे कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। या एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे मान लीजिए आप अपने किसी मित्र की शादी में जाना चाहते हैं, आपके दोस्त की शादी है, यार की शादी होती है, तो जब शादी में जाने वाले होते हैं तो आप कुछ समय पहले, कुछ समय मतलब कुछ दिनों पहले तैयारी कर लेते हैं, मुझे क्या क्या लेके जाना है, कब जाना है, वहाँ कैसे पहुँचना है, सारी प्लानिंग होती है आपकी, रूपरेखा तैयार करते हैं आप सब, कौन कौन दोस्त आपके साथ में चल रहे हैं, सबको फोन करके पूछे ना आप लोग पहले से ही कि यार मैं तो जा रहा हूँ, तू जा रहा है नहीं जा रहा है। तो हम सब क्या करते हैं, एक रूपरेखा बना लेते हैं पहले से ही कि कौन कौन चल रहा है, हमें कैसे जाना है, हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे, कैसे इंजॉय करेंगे, साथ में क्या क्या लेके जाना है, सारी कुछ जो क्रिया हम करते हैं ये सब क्या है, अपनी रूपरेखा है। और इसी रूपरेखा के आधार पर हम क्या करते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो संगठन में भी यही होता है, संगठन क्या करता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक रूपरेखा बना लेता है, एक मॉडल बना लेता है पहले, और उस मॉडल के बेसिस पे वो अपने वास्तविक गोल को प्राप्त करता है। अच्छा,
इसके बाद में आपका आता है संगठन। अच्छा, संगठन क्या करेगा? तो दोस्तों, आपने जो लक्ष्य निर्धारण किया है उस लक्ष्य की पूर्ति में आपका सहायक होता है संगठन, जो कार्मिक होंगे उन्हें उचित कार्य का बंटवारा किया जाएगा, उनकी योग्यता के अनुसार क्या किया जाएगा, उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें कार्य दिया जाएगा, संसाधनों के साथ उनका समायोजन किया जाएगा, जिससे कि संगठन में जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वे उस संगठन के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो सके। तो उनकी योग्यता के अनुसार उनको क्या किया जाता है, कार्य सौंपा जाता है। तो सेकंड पॉइंट आपका रहता है संगठन। बिना संगठन के अपन क्या नहीं कर सकते, अपने लक्ष्यों की पूर्ति नहीं कर सकते। अब देखिए, नियोजन हो गया, संगठन बना लिया, कर्मचारी हो गए ना इकट्ठे सारे, अब उनके लक्ष्य जो है उनके लक्ष्य को हमने क्या कर लिया, वो संस्था के लक्ष्य के साथ में इस तरह से मैच कर लिया है, ताकि वे लोग क्या करें, संस्था के लक्ष्य की पूर्ति में संलग्न हो जाए। अगला बात करते हैं हम निर्देशन की। डायरेक्शन, उन्हें बताना होगा कि संसाधनों का यूज कैसे करना है, जिससे कि आप कुशलतम उपयोग करते हुए अधिकतम अपनी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति कर सकें। क्योंकि हमें ज्ञात है कि हमारे पास में जो संसाधन होते हैं वे संसाधन होते हैं सीमित, जबकि मानव का स्वभाव है उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो कैसी है, आवश्यकता है असीमित। तो इसलिए प्रबंधक क्या करता है, संसाधनों का कुशलतम उपयोग करते हुए अधिकतम संतुष्टि की बात करता है। किस प्रकार से हम अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त कर सकते हैं, ये कार्य किया जाता है, और ये कार्य निर्भर करता है निर्देशन पर। जैसे आप सभी लोग मूवीज देखते होंगे, फिल्म देखते होंगे, फिल्म में आपने देखा होगा ज़्यादातर फिल्में जो होती हैं उनकी जो स्क्रिप्ट होती है, मतलब उनकी जो कहानी जो होती है, स्टोरी जो होती है ना, वो एक जैसी होती है। एक जैसी क्या, वास्तव में एक ही होती है, लेकिन होता क्या है एक्चुअल में, कि उनका जो निर्देशक होता है वो उनके किरदार को जो अदा कर रहे हैं, जो एक्टर रोल को अदा कर रहे हैं, उनको इस प्रकार से डायरेक्शन देता है कि आपके लिए वो मूवी न्यू हो जाती है। वास्तव में स्क्रिप्ट उसकी एक जैसी ही है, काफ़ी सारी मूवी बनी हुई है, लेकिन उनमें हर बार आप जब नई नई मूवी देखते हो ना, तो कुछ अलग देखने को मिलता है। रीजन क्या, क्योंकि उसमें जो निर्देशन प्राप्त हुआ है उस निर्देशन के अनुसार उसमें बिल्कुल जो परिवर्तन आ जाता है वो होता है आपका निर्देशन, डायरेक्शन। जैसा डायरेक्शन दोगे वैसा कार्य होगा। तो प्रबंधक पर निर्भर करता है वो कैसा निर्देशन दे रहा है, कितना उनको समझा रहा है, कैसे समझा रहा है, उसी के बेसिस पे जो कर्मचारी वो क्या करेंगे, अपना काम करेंगे। अगला आपका आता है नियंत्रण। मींस कंट्रोल। अब देखिए, आपने प्लानिंग बना दी, संगठन का निर्माण हो चुका है, नियुक्ति हो चुकी है कर्मचारियों की, उसके बाद में आपने उनको डायरेक्शन भी दे दिया, लेकिन फिर भी आपका काम पूरा नहीं हुआ। क्यों पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अब आपको क्या करना है, उनके ऊपर कंट्रोल भी रखना होगा, नियंत्रण रखना होगा। वास्तव में आपने जो लक्ष्य निर्धारित किए थे उनकी पूर्ति हो रही है, नहीं हो रही है, कोई समस्या तो नहीं आ रही, क्या समस्या आ रही है, अगर समस्या आ रही है तो उनका समाधान क्या है, ये सब कुछ आपको सोचना होता है। पर कैसे सोचेंगे, तो जो कार्य हो रहा है उस पर आप क्या करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, और अपना प्रभावी नियंत्रण बनाते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। और इसी के साथ में आपका अंतिम पॉइंट आता है कोऑर्डिनेशन, समन्वय। और इसके बारे में एक बात कही गई है, एक प्रबंध शास्त्री हुए हैं,
क्विंटस ओडोनेल, और इन्होंने कहा है कि समन्वय प्रबंध का सार है। किसने कहा? क्विंटस ओडोनेल ने कहा कि जो समन्वय है वो क्या है? प्रबंध का सार है, बिना इसके कुछ भी नहीं हो सकता। उसी प्रकार से जैसे संगठन जो होता है वो क्या होता है? संगठन किसी भी संस्था की रीढ़ की हड्डी होता है, मेरुरज जिसे अपन कहते हैं रीढ़ की हड्डी। तो दोस्तों जैसे बिना रीढ़ की हड्डी के हम कोई कार्य नहीं कर सकते, उसी प्रकार से बिना संगठन के भी हम कुछ नहीं कर सकते। संगठन में कर्मचारी, योग्यतावान कर्मचारी का होना आवश्यक है, क्योंकि वो क्या करते हैं? रीढ़ की हड्डी का कार्य करते हैं। उसी प्रकार से बिना समन्वय के हम क्या नहीं कर सकते? प्रबंध नहीं कर सकते। मुख्य इसका जो मेन जो काम होता है वो क्या है? समन्वय है। तो समन्वय के मार्फत भी हम क्या कर सकते हैं? अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। हमने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया है उसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए? समन्वय करना होता है, कोऑर्डिनेशन करना होता है। किन के बीच में? हमारे जो कार्मिक है उनके बीच में कोई मतभेद ना हो, उनके बीच में समायोजन करना है। संसाधनों के बीच में समायोजन करना है, उनके बीच में जो कुछ भी गलतफहमियां उत्पन्न हो रही है उनके बीच में समायोजन करना है, जिससे कि हमारा लक्ष्य हम यथा समय प्राप्त कर सके। ये तो हमने बात करी है प्रमुख कार्यों की। अब प्रमुख कार्यों के बारे में बात करेंगे सहायक कार्य। कौन कौन से प्रबंधक के सहायक कार्य है तो मैं यहां लिख देता हूं। सहायक कार्य, और जब हम सहायक कार्य की बात करेंगे तो सहायक कार्य में सबसे पहले हम बात करेंगे निर्णय की। निर्णय लेना, डिसीजन लेना है। किस बात का डिसीजन लेना है? क्या सही है क्या गलत है? हमारे सामने बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारे हमारे पास में ऑप्शन हैं। उन ऑप्शन में से सबसे सटीक, सबसे सही हमारे लिए कौन सा यूजफुल है, हमारे लिए सबसे बेटर कौन सा रहेगा, उसका डिसीजन लेना है, उसका निर्णय लेना है। सही गलत का निर्णय लेना है, ये प्रबंध का सहायक कार्य है और पहला सहायक कार्य है। इसके बाद में आता है आपका नियुक्ति करना। किन की नियुक्ति करना? योग्यतावान। ध्यान रखिएगा, नियुक्ति तो करनी है लेकिन किन की करनी है? योग्यतावान जो भी कर्मचारी है उनकी नियुक्ति करनी है। क्या वो उस कार्य को करने में सक्षम है नहीं है? तो भर्ती की प्रक्रिया, चयन की प्रक्रिया, ये सब किस में होती है? नियुक्ति में होती है। यानी एक कर्मचारी के उस संगठन में जुड़ने से लेकर के उसकी सेवानिवृत्ति तक का जो भी समय है, सबसे पहले उसकी ज्वाइनिंग, उसकी नियुक्ति, और उसके बाद में जब तक वो क्या नहीं होता, सेवा निवृत्त नहीं हो जाता, उस समय तक का जो भी कार्य है वो इसके तहत किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर थर्ड पॉइंट की, न प्रवर्तन या नवाचार। मतलब चेंजेस, बदलाव का लाना। बदलाव कैसे होंगे? तो प्रबंध जो है निरंतर चलता है, और हमें पता है कि बहुत सारे जो बदलाव है हमारे समाज में हो रहे हैं, तो उस बदलाव को हमें क्या करना होता है? अपने संगठन पर भी लागू करना होता है। तो बदलाव भी क्या हो जाएगा? प्रबंध के लिए सबसे आवश्यक तत्व हो जाएगा। सेकेंड लास्ट इसका पॉइंट है आपका संप्रेषण, कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन में क्या है? कर्मचारियों के जो बातें हैं उनको समझना, उनके जो बीच में कोई मतभेद ना हो इसके लिए उनसे कनेक्ट रहना, उनके साथ में जुड़े रहना, और अपनी बातों को उन तक पहुंचाना और उनकी जो समस्या है उनको सुनना, ये सारा काम संप्रेषण में होता है। और अंतिम इसमें आता है आपका नंबर फिफ्थ पे प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेटिव। क्या होता है?
मान लीजिए आपकी संस्था में कोई कार्य आपने जो किया है उसका कहीं प्रदर्शन करना है, तो क्या सारे कार्य एक साथ में जाते हैं? नहीं, प्रबंधक जाता है और वो उन सबको उसके बारे में क्या करता है, बताता है। यानी वो क्या कर रहा है, उस पूरे संगठन का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, प्रतिनिधि होता है, जो उस कार्य को उनको बताता है कि संगठन में क्या हो रहा था, क्या करना चाहिए। जो भी कार्य है उसकी रूपरेखा बताने का कार्य भी प्रबंधक के द्वारा किया जाता है। तो ये थे आज के हमारे प्रबंध की विशेषताएं, उसके बाद में इसके प्रमुख कार्य और सहायक कार्य। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपके साथ में नई वीडियो के साथ में। और हम आपको फिर से याद दिला दें कि हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके द्वारा ये कार्य जो किया जाता है ये हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए कुछ और नया करें। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ में, तब तक के लिए अलविदा।